गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लगभग 5-6 महीने पहले मैं आपके बीच में आया था और मैंने लर्निंग टेक्निक्स के बारे में आपको बताया था। तो 12th क्लास के बच्चों को मेरी शक्ल थोड़ी बहुत याद होगी। 12th क्लास याद हूँ मैं? इससे मैंने इसलिए शुरुआत की कि मैं अभी तक 3 लाख से ज़्यादा वर्कशॉप कंडक्ट कर चुका हूँ, 3 लाख से ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ। जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस ली, साथ में एक सर्वे किया कि मेरे शब्दों का बच्चों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, वो चेक करने की, थोड़ा पीछे रखना सुरेंद्र, ये बच्चे नहीं देखेंगे मुझे, वो मैंने चेक करने की कोशिश की। तो लगभग मेरे पास सभी बच्चों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहते हैं, मैंने लगभग 20,000 बच्चों के ऊपर सर्वे किया जिनको मैंने लेक्चर दिया हुआ था। कमाल की बात ये थी कि उसमें से 90% बच्चों को ये याद नहीं था कि मैंने उनसे क्या बात की थी, 90% बच्चों। मैं लर्निंग टेक्निक्स के बारे में बताता था कि पढ़ाई शुरू करने से पहले मेंटल वार्म अप करना चाहिए, पढ़ाई करते वक्त हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, पढ़ाई को खत्म ठीक पिक्चर की तरह करना चाहिए, पीरियड को वैसे ही खत्म करना है जैसे टीचर ने पढ़ाया, दिमाग में सोचना है थोड़े उसके बारे में, रात में सोने से पहले ब्रेन डायरी बनानी चाहिए। मैंने लगभग ये वाला कंटेंट 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को बताया, उनमें से 20,000 बच्चों से जब बात की तो 90% से ज्यादा बच्चों को ये पता नहीं था कि मैंने उन्हें क्या बताया था। क्या नाम है बच्चा लास्ट में आपका? सलोनी, बैठ जाइए सलोनी। और उससे ज्यादा कमाल की बात ये थी कि 97% बच्चों को जो मैं बता के जाता था वो नहीं अपना रहे। यहां पे तो तालियां बजाते हैं, मेरे से कमिटमेंट करते हैं, यस सर आई प्रॉमिस यू दैट आई विल मेंटेन योर ब्रेन डायरी, हाथ उठा के चिल्ला कर बोलते हैं और 3% बच्चे ही उसे फॉलो करते हैं। और वो 3% बच्चों में से भी 97% बच्चे 20 दिन तक भी थोरोली फॉलो नहीं कर रहे। मतलब इस लॉकडाउन के बाद, सेकेंड लॉकडाउन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं पिछले 18 साल से जो काम कर रहा था उसका कोई भी फायदा नहीं। मैं बहुत डिप्रेस में था, मैं स्ट्रेस को दूर करने वाला व्यक्ति जब इस तरह से स्ट्रेस में जा चुका था कि मेरे 18 साल के काम का कोई सा भी रिजल्ट नहीं निकला, तो मैंने मेरे हाथ में एक मेरे साथी है संदीप चौधरी जी, उनकी एक पुस्तक उन्होंने मुझे दी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ माय योगी। जब मुझे मालूम चला कि मेरे 3 लाख में से अगर 900 बच्चे भी चेंज हुए हैं मेरे कारण, तो वो मेरे 18 साल की मेहनत खराब नहीं। और मैंने अपना परसेप्शन ये बना लिया है कि अगर मैं यहां पर आया हूं, आप 200 की संख्या में बैठे हुए हैं, मेरे मतलब के शायद 10 से 20 बच्चे हैं, तो मैं आज उन 10 से 20 बच्चों के आया। आज मुझे ये यकीन है उस सर्वे के बाद कि हो सकता है कि मेरी बातों से सारे के सारे बच्चे परिवर्तित नहीं है हो, लेकिन इतना जरूर यकीन हो गया है कि 200 बच्चों में से 6 बच्चे तो परिवर्तित हो रहे हैं। तो मेरी बातें ज्यादा बच्चों के उपयोग की नहीं होती, आपके बॉडी लैंग्वेज से मैं पहचानने की कोशिश करूंगा कि मेरी बातें किन किन का समय की बर्बादी है। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप क्लासरूम में जाइए और अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे का मैं एक पल भी जाया नहीं करना चाहता। मैं आपके बॉडी लैंग्वेज से पहचानने की कोशिश करूंगा कि मेरी बातें किसके मतलब की चल रही हैं और किसके लिए मैं समय की बर्बादी शुरू कर चुका हूं। मैं अपने 18 साल के अनुभव से इतना पहचान पाया हूं कि जितने भी मुझे लिसनर मिलते हैं या जितने भी बच्चे क्लासरूम में टीचर को सुनते हैं, वो 3 तरह की लिसनिंग को फॉलो करते हैं। कितने तरह की लिसनिंग को? 1 होती है कॉन्शियस, दूसरी पार्शियल कॉन्शियस और तीसरी अनकॉन्शियस। कौन कौन सी? कॉन्शियस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CPU। सी का मतलब, पी का मतलब, यू का मतलब,
अगर टीचर के बोलते वक्त, अगर वक्ता को सुनते वक्त आपके मन के विचार, जो उसके विचार है, जो उसका सब्जेक्ट है, उसी के बारे में चल रहे हैं, तो आप कॉन्शियस लिसनर हैं। अगर सलोनी टीचर को सुनते वक्त आपके मन के विचार बीच बीच में टीचर की बातों के बारे में चलते हैं और बीच बीच में इधर उधर स्विच हो जाते हैं, तो आप पार्शियल कॉन्शियस हैं। अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपके विचार और कहीं की यात्रा में है और टीचर इधर पास्कल का लॉ पढ़ा रहा है, तो आप हमारा ब्रेन मटेरियल जब उसे मिलेगा तभी तो प्रोसेस करेगा। हम अपने ब्रेन को दोषी दे रहे हैं कि मेरा दिमाग कमजोर है इसलिए मुझे याद नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपका कान कमजोर है इसलिए याद नहीं हो रहा है। अभी मैं एक बच्चे को खड़ा करूंगा, कुछ पूछूंगा, वो बता नहीं पाएगा। क्यों? उसका दिमाग कमजोर है। बिल्कुल नहीं, मैं चेक कर रहा था, वो पार्शियल कॉन्शियस या अनकॉन्शियस था। आप खड़े हो जाइए। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, स्कूल्स की संख्या बताई थी मैंने, कितने स्कूल्स में वर्कशॉप किया, आपको बताना है। ठीक है, समझ गए ना? अब ये अपने ब्रेन को सोचे, क्योंकि जब सर मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप कॉन्शियसली सुन रहे हैं, पार्शियल कॉन्शियसली सुन रहे हैं, और उसी शब्द पे जब सर ने ये बोला, इसने अपने दोस्त को ऐसे कोहनी मारी, और ये अपने दिमाग को दोष दे कि आज सर ने मेरे इंट्रोडक्शन में मेरे स्कूल्स की संख्या बताई थी कि मैंने कितने स्कूल्स में बोला। ये गलत कर रहा है। मैं कह रहा हूं अपने, जब टीचर पढ़ा रहा है, क्लास रूम में कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो ब्रेन को दोष देने की अपेक्षा थोड़ा अपना कानों का भी आकलन करना शुरू कर। मैं जितनी बातें आपको बता के जाऊंगा उसमें से किस रेशो में आपको वो बातें समझ में आएंगी। सलोनी के पीछे बच्चा कुछ गिर गया नीचे, सलोनी के पीछे वाली की पीछे वाली बच्ची कुछ गिर गया था आपका नीचे, मैं मदद करूं खोजने में। आप कितना परसेंट मेरी बातों को लेके जाएंगे, ये आपके दिमाग से ज्यादा आपके कान के ऊपर निर्भर करने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने तरह के लिसनर है? कौन कौन से? व्हाट्स योर नेम? अनुज। बैठ जाइए। तो अनुज, जब मैं पिछली बार आया, मैंने लर्निंग टेक्निक्स के बारे में बताया। आज जब लॉकडाउन का सेकेंड हिस्सा खत्म हुआ, उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर स्टडी किया, तो अनुज बहुत से ऐसे बच्चे मिले जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन लॉकडाउन की सुनामी में वो बह गए। बहुत से ऐसे व्यापारी बिजनेसमैन थे जो अपने आप को बहुत 30 मार्क का समझते थे, लेकिन कोरोना काल में वो अर्श से फर्श पे आ गए। सफलता के कुछ परिभाषाएं परिवर्तित हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है, और सफल होने के लिए कुछ टेक्निक भी परिवर्तित हुई है, मेरा ऐसा अनुभव भी। मैंने पिछली बार आपको सिखाया था लर्न हाउ टू लर्न, और इस बार मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं। क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये इसीलिए लगाया हुआ है जिससे आपको मालूम चल जाए कि मैं क्या बताने के लिए आया हूं। क्या बताने के लिए आया हूं? स्मार्ट एजुकेशन। सफलता की परिभाषा के साथ साथ सफलता प्राप्त करने की कुछ टेक्निक में भी बदलाव आया है, वो मैं बताना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? अनुज सुनना चाहते हैं? कॉन्शियस नहीं हो? पार्शियल कॉन्शियस। जो आपके पीछे 6 बच्चे हैं उनको आगे बैठे आगे आ सकते हैं? नहीं नहीं, आप जो धूप जिसके पास धूप आती जाएगी, लास्ट ईयर की तरह हम आज इस बार भी चेंज करते जाएंगे। सर जो आपके पीछे हैं उन्हें भी हटा दीजिए, उनसे बीच बीच में मुझे नजर नहीं मिल पाती। और नीचे बहुत अच्छा साफ सुथरा है, नीचे भी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आगे चलिए, तो शुरू करते हैं आज का स्मार्ट एजुकेशन। एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी है पीटर की, एक बच्चे पीटर की, 11th क्लास का स्टूडेंट पीटर। किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ मैं कि बच्चे का नाम क्या था, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, कौन सी क्लास में पढ़ता था ये भी पूछ सकता हूँ। 11th क्लास का बच्चा पीटर शाम को 7 बजे, अब मैंने सोच लिया कि मुझसे क्या कब पूछना है और किससे पूछना है, कितने बजे वो टीवी देख रहा था। शाम को टाइम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मुझे पूछना है किसी से। शाम को वो टीवी देख रहा था, फुटबॉल मैच देख रहा था। मैच देखते हुए उसे ऐसा लगा, रोनाल्डो से प्रभावित होके, कि मुझे अपना करियर फुटबॉल में बनाना। अक्सर ऐसा होता है 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं,
वो किसी से प्रभावित होकर तुरंत अपने टारगेट को बदल लेते हैं, ऐसा होता है। वो अपने पापा के पास जाता है, पीटर अपने पापा से कहता है आई हैव चेंज्ड माय डिसीजन, नाउ आई वांट टू बी अ फुटबॉलर। 11th क्लास के बच्चे को माता पिता समझदार समझते हैं, हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत समझदार मानता है। पिता स्वीकार करते हैं उसकी बात, क्या प्लानिंग है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ फुटबॉल क्लब। पापा आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ फुटबॉल क्लब। कौन सी फुटबॉल क्लब? जो शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब है। पीटर अगले दिन पापा के साथ शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब, जिसके कोच का नाम ईमान सिंह था, उसके पास जाते हैं। ईमान सिंह से पीटर के पापा कहते हैं कि मेरा बच्चा फुटबॉलर बनना चाहता है, उसका सपना है और उसके अंदर डेडिकेशन है, मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो फुटबॉलर बनना चाहता है, आप उसे अपनी क्लब में शामिल कर दीजिए। ईमान सिंह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं सर देखो कितनी भीड़ है, जगह नहीं है, आई कैन नॉट अलाउ एनीबडी टू ज्वाइन माई क्लब नाउ। पिता बहुत गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि आपकी जितनी फीस है उससे दुगना फीस मैं दूंगा, प्लीज अलाउ माय सन टू ज्वाइन योर क्लब। ईमान सिंह मना करते हैं। बार बार जब गुजारिश की जाती है, पीटर खुद इंसिस्ट करता है, तो ईमान सिंह को उसके ऊपर दया आती है और कहता है चलो आप, मैं आपको अलाउ करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है, एक महीने बाद एक सिलेक्शन का मैच होने वाला है, 90 मिनट के फुटबॉल के मैच को आपको पूरा का पूरा खेलना है, अगर आप बीच में थक कर हट जाते हैं तो आपको मैं अपने क्लब में शामिल नहीं करूँगा। पीटर खुश होता है हर बच्चे की तरह कि वाह मौका मिल गया। लेकिन जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे मेंटोर या कोच होते हैं, वो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर या हमारे मेंटल स्टेटस को पता करके अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं, और एक हमारे लिए प्लान तैयार किया जाता है और उसको वे फॉरवर्ड किया जाता है, कुछ अच्छी सलाह दी जाती है और कहा जाता है ऐसा करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक ऐसा ही ईमान सिंह ने किया। पीटर से कहा कि 4 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड है हमारा, वहां कोई कोच नहीं होता। पीटर मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं, अगर तुम मैच को पूरा खेलना चाहते हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाना पड़ेगा, आपको उस ग्राउंड में जाके रोज प्रैक्टिस करनी है। आपकी सहेली है, देखना जरूरी नहीं था। आप खड़े हो जाइए। वो लड़की जो इसकी तरफ देख रही थी जब ये आई, खड़े हो जाइए बच्चा। ग्राउंड कितने किलोमीटर दूर था? 4 किलोमीटर। बैठ जाइए शाबाश। आपको रोज उस ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 800 मीटर का ग्राउंड है, रोज 5 बजे उस ग्राउंड में पहुंचना और 10 चक्कर लगाना, 1 महीने तक कंटिन्यूअसली ऐसा करना, आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ेगी। जैसे टीचर हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझाते हैं, बताते हैं, पीटर की आंखों में जुनून था। वो अगले दिन 3:30 बजे ग्राउंड पहुंच गया। 5 बजे का समय था, 4 किलोमीटर ग्राउंड था, अपनी सेल्फी ली और टीचर को भेज अटेंडेंस, और लगातार 1 महीने तक रोज ग्राउंड में जाता, रोज 10 चक्कर लगाता। 1 महीने बाद मैच हुआ, मैच स्टार्ट हुआ, पीटर ने खेलना शुरू किया। सलोनी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख रहे हो तो मैं कुछ पूछूंगा नहीं आपसे। अनुज पीटर 20 मिनट के बाद थककर गिर गया। ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका तजुर्बा था कि अगर एक बच्चा रोज 8 किलोमीटर दौड़ लगाता है तो वो निश्चित तौर पर 1 महीने के बाद 90 मिनट के मैच को पूरा का पूरा खेल लेता। उसने पीटर को बुलाया, पीटर डिड यू यूज्ड टू गो टू ग्राउंड? यस सर। झूठ बोल रहे सर, मैं तो आपको अटेंडेंस भेजता था। पीटर क्या तुम चक्कर लगाते थे? सर लगाता था। कितने लगे? सर 10 लगा। ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षक को मालूम था कि अगर बच्चा ईमानदारी से 10 चक्कर लगाएगा
तो उसके लिए ना आईआईटी मैथ मुश्किल है ना नीट मुश्किल है, उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। ईमान सिंह पीटर को ले जाते हैं उसी ग्राउंड में सलोनी, जो कितने किलोमीटर दूर था, 4 किलोमीटर, और पीटर को ले जाकर कहते हैं, अनुज के पीछे वाला बच्चा कितने चक्कर लगाने थे पीटर को, 10 चक्कर लगा, 10 चक्कर लगा के दिखाओ। पीटर सलोनी एक ग्राउंड के ठीक सेंटर में खड़ा हो गया और 10 चक्कर लगा दिए। ईमान सिंह को यह देखकर बिल्कुल भी अजूबा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा बहुत से बच्चे पहले करते आए। और अनुज ये कहानी है पीटर की, मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत से बच्चों ने पीटर की तरह किया है। सुपरवाइजर जब दूर होता है, कैमरा बंद हो जाता है और हम पीटर की तरह मेहनत करने लगते हैं। वो तो मोहिंदर सर का आप शुक्रगुजार माने कि उन्होंने आपके लिए जैसे ही सरकार के ऑर्डर हुए तुरंत उसी दिन से थोरोली, मुझे तो ऐसा लगता है मोहिंदर सर कि हिंदुस्तान में ये पहला स्कूल था जिसने पहले लॉकडाउन की, जैसे ही 19 अक्टूबर आई थी जो डेट मुझे याद नहीं थी, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ थोरोली क्लासेज स्टार्ट करवा दी थी। नहीं तो मैं कई स्कूल्स में जा चुका हूँ, अभी इस बार कम से कम ये मेरा 70 स्कूल होगा, स्कूल 16 या 17 जुलाई के बाद जब स्कूल खुले उसके बाद से ये मेरा 70वां स्कूल होगा जहाँ मैं लेक्चर कर रहा हूँ। पीटर को ईवान सिंह बुलाते हैं, कहते हैं पीटर मुझे ये नहीं पता कि सफल कैसे होते हैं, मुझे सफलता का बिल्कुल भी गणित नहीं आता, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि अगर एक बच्चा अपने आप से बेईमानी करना शुरू कर देता है, अपने आप से बेईमानी, तो दुनिया में कोई सी भी ताकत उसे सफल नहीं कर सकती। पीटर तुम्हें लगता है तुमने मुझे धोखा दे दिया, पीटर तुम्हें लगता है तुमने मेरा सपना धूमिल कर दिया, पीटर ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तो पहले ही चाहता था कि तुम मेरे क्लब में शामिल नहीं। पीटर मुझे ये नहीं पता कि सफल कैसे होते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि अगर एक बच्चा खुद से बेईमानी करना शुरू कर दे तो उसे कोई भी सफल नहीं कर सकता। जो स्मार्ट एजुकेशन है उसमें एस का मतलब यहां पर है सेल्फ ऑनेस्टी। क्या मतलब है? और एक बच्चे के लिए सलोनी सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब है कि जो नियम कायदे कानून आपको टीचर के द्वारा, जो सिद्धांत आपको स्कूल के द्वारा बनाकर दिए गए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और फॉलो ना करके अपने मेंटर अपने शिक्षक को ये यकीन दिला दे रहे हैं और कसम खा जा रहे हैं, अच्छा बहाना बना दे रहे हैं कि मैं मजबूर था, तो आप शिक्षक या विद्यालय को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यहां के नियम कायदे कानून सिद्धांत है, कुछ समय पे आना चाहिए, आप लेट आते हैं, टीचर आपको डांटते हैं, आपको मन में लगता है कि इनसे मुझे मेरे से इनको कोई जलन है शायद, इसलिए वो डांटते हैं, और कोई नहीं दिखाई देता इन्हें, केवल मैं ही दिखाई देता, और एक अच्छा सा बहाना बना देते। और अगर आपने यहाँ पर ये पाठ नहीं सीखा जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको, कि आपको समय पे का पाबंद होना चाहिए, आपको यहाँ पर डिसिप्लिन में रहने की बात कही गई, आपने टीचर की बात को इग्नोर कर दिया, आपने खुद से बेईमानी कर ली। पीटर से ईमान सिंह कहते हैं आपको मेरा सेंटेंस इतना ज्यादा अच्छा है, मैं तीसरी बार इस सेंटेंस को बोल रहा हूं, पीटर मुझे ये नहीं पता, आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, पीटर मुझे ये नहीं पता कि सफल कैसे होते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि एक बच्चा अगर खुद से बेईमानी करने लगता है तो उसे दुनिया की कोई सी भी ताकत सफल नहीं कर सकती।
और कमाल की बात यह है कि मेरा अनुसर्वे बोलता है कि इतने बच्चों को मैं बता के जाऊंगा, इसमें से केवल 3% बच्चों के ऊपर इस बात का असर होने वाला है। मतलब जैसे आप 8:30 बजे थे, वैसे ही आप 10:30 बजे हो जाए। मेरे शब्द इसी सभागार में दफ्त हो जाए। इसलिए सर्वे के बाद मैंने एक सिद्धांत बनाया अपना कि मैं सलाह नहीं दूंगा, अगर मैं कोई सलाह दूंगा तो साथ में समाधान भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ये मेरी सलाह हो गई कि अगर सफल होना चाहते हो तो सेल्फ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। समाधान अब बताने वाला हूं, सुनना चाहते हैं? सेल्फ ऑनेस्ट होने के लिए सुनने से कुछ नहीं आएगा, आप किसी को भी सुन ले कुछ नहीं परिवर्तित होगा। आप जैसे 8:30 थे वैसे 10:30 हो जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा, वो मैं बताने वाला हूं। आप खड़े हो जाइए बच्चा। क्या नाम है आपका बच्चा? जो पूछा सुनाई देगा? इशू, मेरे सवाल को सही से सुनना और उसका सही से जवाब देना। 99% बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं, ठीक है? उम्मीद है मुझे आप सही जवाब देंगे। आपका जन्म दिन कौन सा है? हाँ, 2। आपने भी गलत जवाब दिया। मैंने दिन पूछा, इसने डेट बताई। पेपर हम पूरा का पूरा करके आते हैं इशू, और नंबर हमारे इसलिए कम आते हैं। आप क्वेश्चन पूछने वाले के फीलिंग को ही नहीं समझ पा रहे कि वो क्या जवाब चाह रहा है। और मैंने अनाउंस कर दिया था कि 99% बच्चे इसका जवाब गलत देते हैं। दिन बताना है आपको, याद है आपको? वेस्टे, मेरा फ्राइडे, आपका वेस्टे। अब क्या करना है? हम सभी बच्चों का कोई ना कोई सा एक जन्मदिन होता है जो हर वीक में आता है। यीशु, हमें क्या करना है? उस दिन हमें एक उपवास, एक व्रत, एक फास्ट रखना है, जिस फास्ट का नाम होगा सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। मैं पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होगा, सलोनी अनुज, मैं पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन मैं एक दिन परिवर्तित होने का प्रयास करूंगा, और वो दिन मेरे लिए होगा फ्राइडे, और आपके लिए यीशु वेंसडे वाले दिन। अगर आप अपनी किसी हैबिट को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हो और बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, फिर भी परिवर्तित नहीं हो रहे हो क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आज मैं सेल्फ ऑनेस्ट बनने की एक आपको स्ट्रेटेजी बता। आप चेयर पे बैठना चाहेंगे? चेयर की व्यवस्था कर पाएंगे? हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं सेल्फ ऑनेस्ट बनने की एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि परिवर्तन कभी बाहर से अंदर की तरफ नहीं आएगा कि आप आचार्य पवन को सुनिए परिवर्तित हो जाएं। परिवर्तन हमेशा अंदर से आएगा, थोड़ी सी लाइट जलानी पड़ेगी, और वो लाइट जलाने का हम प्रयास करेंगे एक दिन, जो आपके लिए है फैसले, जो टीचर के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून है, आप किसी दिन फॉलो करें या ना करें, एक दिन जरूर करना है, और वो दिन होगा आपके लिए फैसले। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक दिन मैं सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट रखूंगा और उस दिन मैं थोरोली परिवर्तित होने का प्रयास करूंगा। इज इट ओके? समझ में आ रहा है मेरी बात? कर सकते हैं? कर सकते? यस और नो? कर सकते हैं? उस दिन भारत के संविधान के बनाए गए नियम कायदे कानून को भी फॉलो करने का प्रयास करेंगे थोरोली, क्योंकि एक जगह आप अच्छे बने रहे और दूसरी तरह नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा? घर के भी नियम कायदे कानून है, वो भी फॉलो करने की। इज इट ओके? इज इट ओके? चले आगे। तो अब यहाँ पे एस का मतलब बदल गया। अभी तक यहाँ पर एस का मतलब था सेल्फ ऑनेस्टी, लेकिन अब यहाँ पर एस का मतलब हो गया है सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। क्या हो गया? क्योंकि इसमें सलाह नहीं है स्मार्ट एजुकेशन में। स्मार्ट एजुकेशन में क्या है? समाधान। क्या है? यीशु, आप डर क्यों रहे हो? मैं क्या मुगैम्बो की तरह लग रहा हूँ? नहीं, चलिए। आचार्य पवन, मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर हम सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट रखेंगे तो हमें फायदा होगा, हम सेल्फ ऑनेस्ट होंगे। इसको स्टैंडी को पीछे चलो। एम का मतलब क्या है वो मैं बताने वाला हूं। सुनना चाहते हैं? बहुत इधर से तो कोई नहीं सुनना चाहता। सुनना चाहते हैं? देखिए क्या हुआ कि इशू, कोरोना काल से पहले जितना हमारा फोकस था, जितना हमारा कंसंट्रेशन था, जितना हमारा स्टडी का माइलेज था, स्टडी का माइलेज समझते हैं अनुज? मतलब एक यूनिट को लर्न करने में मुझे 5 घंटे लगते थे 2019 मार्च तक,
लेकिन आज 2021 30 सितंबर को उसी यूनिट को लर्न करने में अब 7 घंटे का समय लगते हैं। मेरी स्टडी के माइलेज का थोड़ा सा गिरावट हुआ है और शायद कॉन्फिडेंस का लेवल भी उतना नहीं रहा। पहले याद होता था और एक ही बार में बस हो गया, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल भी डाउन हुआ है। राइट और रॉन्ग, इसके पीछे क्या कारण है वो बताने वाला हूं। सुनना चाहते हैं? दो तरह के बच्चे होते हैं, बच्चों की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होते हैं मैग्नेटिक बच्चे और दूसरे होते हैं आयनिक। कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटिक और आयनिक। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बच्चे होते हैं उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट की तरह होते हैं। मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो कैसे होते हैं? डायरेक्शनल, सारे के सारे साउथ पोल एक डायरेक्शन में, सारे के सारे नॉर्थ पोल एक डायरेक्शन में। और लोहे के नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे होते हैं? स्कैटर, बिखरे। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बच्चा होता है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल डायरेक्शनल होते हैं, जो आयनिक प्रॉपर्टी का बच्चा होता है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे होते हैं? स्कैटर, बिखरे हुए होते हैं। कोरोना काल से पहले इशू हमारे सारी की सारी चीजें एकदम फिक्स थी। सुबह जागना, निश्चित टाइम पर स्कूल पहुंचना, पढ़ना, दोस्तों से मिलना, खेलना, सब कुछ फिक्स था। हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे अनुज, वो कंपैरेटिवली डायरेक्शनल थे और जो हमारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो क्या थी? मैग्नेटिक। लेकिन कोरोना काल में हमारा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ, हम बहुत समय तक घर पे रहे, तो हो सकता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेट से आयन में कन्वर्ट। इसलिए फोकस और कंसंट्रेशन पे थोड़ा सा असर हो सकता है। लेकिन घबराने की अनुज कोई बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा लोहे को मैग्नेट में कन्वर्ट करना चाहता है। या तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा उसे, या फिर जमीन के अंदर गड्ढा खोद के निश्चित दूरी पर गाड़ कर, निश्चित डायरेक्शन में गाड़ कर उसे पार्शियल मैग्नेट बना सकता है। ठीक ऐसे ही अगर किसी बच्चे की आयनिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, अभी मैं एक टेस्ट कराऊंगा आपका जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आयनिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी आयनिक प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरीके का नाम है मैग्नेटोग्राफी। क्या नाम है? क्या नाम है? ये भी सॉल्यूशन है। फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने का सॉल्यूशन क्या है? मैग्नेट। एस का मतलब क्या है? सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। एम का मतलब? मैग्नेटोग्राफी। अब मैग्नेटोग्राफी क्या होती है? 40 सेकंड की एक एक्टिविटी है जो आपको सुबह करना है एक बार और सुबह शाम को करना है एक बार। केवल आपको अपने जीवन के 1 मिनट 20 सेकंड देने हैं अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। केवल 1 मिनट 20 सेकंड, 40 सेकंड सुबह और 40 सेकंड शाम को, क्योंकि फोकस की भी मसल है, कंसंट्रेशन की भी मसल है। अगर मैं हाथ की मसल को मजबूत करना चाहता हूं तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अगर मैं फोकस को बढ़ाना चाहता हूं, कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसका नाम है मैग्नेट। क्या एक्सरसाइज है? आंख बंद करके 20 तक काउंट करना है। कितने तक काउंट करना है? लेकिन ये 20 तक काउंटिंग 40 सेकंड में खत्म होनी चाहिए। कितनी देर में? 40 सेकंड में। मतलब सलोनी एक काउंटिंग कितनी देर की होगी? 2 सेकंड। दूसरी इश्यू 2 सेकंड, मतलब जितनी देर में 1 काउंट करूंगा उसमें 2 सेकंड का समय लगना चाहिए, जितनी देर में 2 काउंट करूंगा उसमें 2 सेकंड का समय लगना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? मैं अलार्म नहीं लगा सकता। सलोनी के पास वाली बच्ची खड़ी हो जाएगी जी, जाएगा और जिस वक्त फोकस हटेगा उसी वक्त काउंटिंग बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी फोकस के लिए। 40 सेकंड सुबह, 40 सेकंड शाम को। सभी बच्चे अपनी आंखों को बंद कर लें। जो बच्चे अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं वो अपनी आंखों को बंद कर लें, जिन्हें नफरत है वो खुली रखें, जो बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं वो जरूर खुली रखें, और सिद्ध करें। अभी काउंटिंग नहीं करें, अभी केवल अपने इंटरनल कॉन्वर्सेशन को ऑब्जर्व करें कि आप अभी खुद से क्या बातें कर रहे हैं। अगर आपकी ये खुद से बातें
जो मैंने बताया उससे रिलेटेड है, तो आपका रिटेंशन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। मूवी को खत्म होने के बाद खुद से ऐसी बातें होती हैं मूवी के बारे में, मैच को खत्म होने के बाद खुद से बातें होते हैं मैच के बारे में, और टीचर की जब क्लास खत्म होती है तो शायद खुद से होने वाली बातें अलग हो जाती हैं, जिससे उसका रिटेंशन कम हो जाता है। अगर पढ़ते समय आपके खुद से होने वाली बातें उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है तो आपकी पढ़ाई एक्टिव स्टडी होती है। पढ़ते समय अगर खुद से होने वाली बातें और सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती तो आपकी पढ़ाई पैसिव स्टडी होती है। आप जिसे समझदार समझ रहे हैं वो ज़्यादा समय नहीं देता, लेकिन जब भी पढ़ता है तो खुद से होने वाली बातों को पढ़ाई से रिलेटेड ही करता है, उसकी पढ़ाई एक्टिव स्टडी होती है। सारा का सारा खेल इस इंटरनल कॉन्वर्सेशन का है। अगर ये खुद से होने वाली बातें किसी काम को करते वक्त उसी काम के बारे में चलती हैं तो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हैं, जो मैं टेस्ट के बारे में आपको बता रहा था। और खुद से होने वाली बातें किसी काम को करते वक्त तुरंत तुरंत बदलती जाती है, आयनिक प्रॉपर्टी। और अगर ये खुद से होने वाली बातों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो यही स्ट्रेस का कारण हो जाती है। आप अनुभव करेंगे जब बहुत दुखी हो तो देखेंगे कि विचारों की मात्रा एकदम बढ़ चुकी है। सारा का सारा खेल इस इंटरनल कॉन्वर्सेशन का है। अगर मैं फोकस के ऊपर काम करना चाहता हूँ, कंसेंट्रेशन के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मुझे इस इंटरनल कॉन्वर्सेशन को उस काम से रिलेटेड करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ, और मैग्नेटोग्राफी आपकी मदद करेगी। इसलिए मैग्नेटोग्राफी करना शुरू कर दें। स्टैचू जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहे। अब शरीर का हिलना विचार आने का प्रतीक होगा। डोंट मूव योर बॉडी। गर्दन जैसी है वैसी बने रहने दें, उंगलियां जैसी हैं वैसी बनी रहने दें। 20 तक काउंटिंग करें जैसे मैंने आपको बताया, और देखें कि आप आयनिक प्रॉपर्टी के हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के। अगर बिना रुके 20 तक काउंटिंग हो पा रही है, वेरी गुड, एक्सलेंट। अगर नहीं हो पा रही है, बीच में टूट जा रही है, डरने की बात नहीं है, 21 दिन इसे प्रैक्टिस करेंगे, होने लगे। 20 तक काउंटिंग के बाद भी अपनी आंखों को नहीं खोलें, जब तक मैं नहीं बोलूं आंखों को नहीं खोलें, फिर से शुरू कर दें 1 से 20, until I say you to open your eyes, don't open your eyes। शरीर को ना हिलाएं। जब कंसंट्रेशन या फोकस बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो विचार कहीं ना कहीं इचिंग पैदा कर देते हैं, वो भी एक धोखा है उस वक्त विचारों का। शरीर को स्थिर करें और काउंटिंग की स्पीड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड से कनेक्ट करें। कीप ऑन काउंटिंग अंटिल आई से यू टू ओपन योर आईज and try to find out yourself that you are ionic properties student or magnetic properties student. If there is not any kind of distraction, if you are able to count in single go, you are magnetic. Very good. Excellent. If there is any kind of distraction, need not to worry. Keep on practicing it. For 21 days, you will find yourself that you have changed your property from ionic to magnetic. दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें, धीमे से अपने आंखों पे रखें और अपनी दोनों आंखों को खोल लें। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। सभी बच्चों में से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आंख खोल सकता है। किसी भी बच्चे ने 0.001 सेकंड के लिए भी आंख नहीं खोली। अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। अगर थोड़ा सा भी विचार आता था तो काउंटिंग क्या होती थी, बंद हो जाती थी। इट इज
मैग्नेटोग्राफी, इज इट ओके? तो एस का मतलब हो गया सेल्फ ऑनेस्टी, एम का मतलब हो गया मैं, आचार्य भवन ये तो समझ में आ गया, सेल्फ ऑनेस्टी समझ में आ गया, मैग्नेटोग्राफी समझ में आ, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है आर्ट ऑफ लिस्टिंग, ए का मतलब आर लर्निंग आउटपुट इज कॉन्ग्रुएंट टू सलोनी आर लिस्निंग पैटर्न। इफ वी आर कॉन्शियस लिसनर हमारा लर्निंग आउटपुट ज्यादा होगा, इफ वी आर पार्शियल कॉन्शियस हमारा लर्निंग आउटपुट सो सो होगा, इफ वी आर अनकॉन्शियस हम फालतू में दूसरे को समझदार समझ रहे हैं, हम अनकॉन्शियस लिसनर। मैं किसी से बात करूंगा, आप खड़े हो जाएंगे, क्या नाम है आपका? नितिन, जोर से बोला करो नितिन, ना नाम तो कम से कम दमदारी से बोलना चाहिए। नितिन मैंने आपको 30 पेज दिए पढ़ने के लिए और कहा कि आपको 50 पेज पढ़ने हैं और एक घंटे का समय है, कोई सा भी पेज रिपीट नहीं करना, कोई सा भी, आपके पास लिमिटेड कंटेंट है केवल 30 पेज का और आपको पढ़ना कितना है, कितना पढ़ना है 50, समय कितना है आपके पास, लिमिटेड टाइम है, क्या आप पढ़ पाओगे 50 पेज? नहीं पढ़ पाएगा, क्यों नहीं पढ़ पाएगा अनुज? क्या बता सकते हो क्यों नहीं पढ़ पाएगा? यीशु के पास वाली बच्ची बता सकते हो नितिन क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्योंकि मैंने 30 पेज दिए, इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें किसका दोष है? मेरा दोष है, क्योंकि मैंने इसे मटेरियल कम दिया है। ऐसा ही मेरे ब्रेन के साथ हो रहा है, क्लासरूम में टीचर के द्वारा बताई गई बातों का जो मटेरियल मुझे प्रोवाइड करवाना चाहिए था मेरे ब्रेन को, मैंने वो मटेरियल ही नहीं दिया और फिर मैं नितिन को दोषी मान रहा हूं। मेरी मेमोरी कमजोर है, दूसरी चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है, पढ़ाई की चीजें कम याद होती है, जबकि मटेरियल ही कम मात्रा में दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आवर ब्रेन इज पैसिव एलिमेंट ऑफ आवर मेमोरी, our five senses are active element of our memory. पहले मुझे नितिन पर्याप्त मात्रा में मटेरियल देना पड़ेगा। उस बच्ची ने सारी बातों का जवाब इसलिए दिया क्योंकि उसने कॉन्शियसली सुना, अब मटेरियल दे दिया, अब काम स्टार्ट होगा ब्रेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर्ट ऑफ लिसनिंग, एक बार अपने आप को अपनी लिसनिंग को पहचानने का प्रयास करो। जब क्लासरूम में टीचर आपसे बात कर रहे होते हैं तो आप किस तरह के लिसनर हैं? कॉन्शियस है, सी है, पी है या फिर यू है? क्योंकि मेमोरी की एक प्रोसेस है रिसीविंग, सबसे पहले न्यूरॉन्स आपके पांचों की पांचों सेंसेस से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, उसके बाद हिप्पोकैम्पस मिले हुए सिग्नल्स को बाइफर्केट करता है, चेक करता है और उसके बाद लॉन्ग टर्म, आपने सब कुछ रिसीव कर लिया है, अब हिप्पोकैम्पस काम करेगा, लॉन्ग टर्म में भेजेगा या फिर शॉर्ट टर्म में भेजेगा। समझ में आ रहा है मेरे को? अपनी लिसनिंग के पैटर्न को पहचानो और उसे किसमें कन्वर्ट करना है? पार्शियल कॉन्शियस में? नहीं नहीं पहले तो पार्शियल में ही करना है क्योंकि अभी तो बहुत सारे अनकॉन्शियस ही है यहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप, पहले पार्शियल कॉन्शियस और उसके बाद कॉन्शियस, इज इट ओके? समझ में आ रहा है मेरी बात? आगे चले, बैठ जाइए। अब ये फिर से सलाह हो गई, बैठ जाइए। क्या नाम है सुनिए बच्चा? मधु, बैठ जाइए मधु। फिर से ये मेरी सलाह हो गई है कि कॉन्शियस लिसनर होना चाहिए। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ लेकिन कई बच्चे अभी तक कॉन्शियस लिसनर नहीं हो रहे, मैं बता भी रहा हूँ, शुरू में ही बता दिया, धमका भी दिया अनुज को खड़ा करके, तो भी बीच बीच में पार्शियल कॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो जा रहे। तो मैं सलाह नहीं देने वाला, क्या करने वाला हूं? सॉल्यूशन, समाधान बना। साइंस बोलती है अगर सामने वाला व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है अगर आप उसे समझदार मानते हैं, अगर आप उसका रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी लिसनिंग कॉन्शियस लिसनिंग होने के चांसेज बढ़ जाते। अगर आप सामने वाले को सम्मान नहीं देते, उसकी बुराइयां खोजते हैं, हर शब्द को गूगल पे तोलने लग जाते हैं और पीठ पीछे उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं, वो सामने वाला वक्ता कितना भी अच्छा बोले
हम कॉन्शियस लिसनर नहीं हो सकते। इन शब्दों को क्लासरूम से कनेक्ट करने का कोशिश करो। सामने वाला वक्ता आपका शिक्षक। अगर शिक्षक के प्रति मन में रिस्पेक्टोलॉजी नहीं होगी, आर का मतलब रिस्पेक्टोलॉजी, व्हाट इज इट? अगर टीचर के प्रति मन में रिस्पेक्टोलॉजी नहीं होगी, तो चाहे जितनी ज्ञान की बातें करके मैं आपसे चला जाऊं, यू कैन नॉट बी कॉन्शियस लिसनर इन द क्लासरूम। इफ यू वांट टू बी अ कॉन्शियस लिसनर इन द क्लासरूम, यू वुड हैव टू हैव रिस्पेक्टोलॉजी फॉर योर टीचर। सिंपल सी बात है, आप मुझे डॉक्टर समझें तो मेरे शब्द आपके दिमाग में ज्यादा समय तक बने रहेंगे, आप मुझे निर्मल बाबा समझें तो मेरे शब्द यही रह जाएंगे। साइंस बोलती है कि अगर किसी व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, उसकी बातों को हम अपने आप ध्यान से सुनने लगते हैं। डू यू रिस्पेक्ट योर टीचर? इधर से ही आवाज आई, वहां बच्चियां सच्ची होती हैं। इधर ये भी सच्ची है, बिल्कुल नहीं बोल रही। डू यू रिस्पेक्ट योर टीचर? हाँ हाँ, मुझे पता है। जो ऐसे दिया जाता है, मैं उस रिस्पेक्ट की बात करता हूँ जब सर क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं और आप उनके बारे में बात करते हैं। हम शिक्षक की पीठ पीछे बुराई कर देते हैं कईयों बार, और हमें नहीं मालूम कि वो सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों कठिन हो गया। इसलिए कठिन हो गया क्योंकि कल आप उस शिक्षक के बारे में दोस्तों के ग्रुप में उसका मजाक उड़ा रहे थे। हाउ यू कैन बी अ कॉन्शियस लिसनर जब किसी टीचर की आप पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। मैं सिंपल सी बात, मैं कुर्ते पजामे पहना हूं, मैं गेरुआ वस्त्र पहना हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको संस्कार शिक्षा देने के लिए यहां पर आया हूं। मैं आपको साइंस की बात बता रहा हूं क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहा हूं, उसके बाद मैंने साइकोलॉजी की स्टडी की है, इसलिए मैं साइकोलॉजी की चीजों को मैथ की लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूं। इफ यू रिस्पेक्ट योर टीचर देन यू स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस लिस्नर। तो पहले तो हमें नेगेटिव से जीरो होना पड़ेगा, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? नेगेटिव से जीरो होना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव होने का प्रयास। तो सबसे पहले हम 21 दिन तक एक कमिटमेंट करते हैं खुद से कि किसी भी टीचर की हम पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। पहले जीरो पे आएंगे तब पॉजिटिव होंगे। इज इट ओके? 21 डेज तक, कितने दिन तक? मैं बार बार 21 डेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1960 में डॉक्टर मैक्सवेल वॉट्स की एक वर्ल्ड फेमस बुक साइको साइबरनेटिक्स में उन्होंने अपनी स्टडी को लिखा कि जब भी मेरे पास कोई प्लास्टिक सर्जरी के लिए आता है, मतलब बहुत फेमस प्लास्टिक सर्जन, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि 21 दिन के बाद ये पहले जैसा अनुभव करने लगता है जैसा इसका चेहरा पहले हुआ करता है। 21 दिन में हमारी हैबिट कन्वर्ट होने लगती है। 21 दिन तक हमें अपने शिक्षक की पीठ पीछे बुराई करना बंद करना है। इसका मतलब है रिस्पेक्टोलॉजी। व्हाट इज इट? एक बार रिपीट करेंगे हम। एस का मतलब एम, ए आर, सारी चीजें क्लियर है, सॉल्यूशन है सब चीजों के। आर्ट ऑफ लिसनिंग का सॉल्यूशन क्या है? रिस्पेक्टोलॉजी। फोकस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन मैग्नेटोग्राफी, और सेल्फ ऑनेस्ट बनने का सॉल्यूशन सेल्फ ऑनेस्टी। टी का मतलब है यहां पे ट्रेन योर ब्रेन। व्हाट इज इट? अब इस पार्ट को समराइज करते हैं कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई को प्रोग्राम नहीं किया, तो 99.99% वालों का जमाना है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ। यू वुड हैव टू बी स्मार्ट स्टूडेंट, यू वुड हैव टू प्रोग्राम योर ब्रेन। कई बच्चों ने अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लिया, अपने ब्रेन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप डेवलप कर ली है। वो चिप कैसे डेवलप होती है? क्या हो सकती है ऐसी? हो सकती है। 1905 में एक व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज मिला, जिसका नाम रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पावलोव था, उसने बताया कि 21 दिनों में हम अपने ब्रेन के अंदर चिप डेवलप कर सकते हैं। आप भी अपने अंदर पढ़ाई वाली चिप को डेवलप कर सकते हैं 21 दिन के। समझ में आ रहा है?
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी है और वो प्रैक्टिस बुक में आपको देखेगा। इस प्रैक्टिस बुक का नाम है ब्रेन डायरी। क्या नाम है? इसमें कितने खाली पेज होंगे कोई अंदाजा लगा सकता है? 21 खाली पेज है इसमें। इसमें तीन कॉलम है मधु, इसमें तीन कॉलम है, आपको नजर आ रहे हैं ए बी और सी। ए कॉलम अनुज इसमें कौन सा है? ए। क्या लिखा है यहाँ पे? ए कॉलम है टाइम का, बी कॉलम है सब्जेक्ट का और सी कॉलम है टॉपिक का। टाइम मैंने नोट डाउन किया हुआ है 6 बजे से पहले, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके रात के 10 बजे तक। अब क्या करना है आपको सलोनी? आपकी बाजू की लड़की का नाम नहीं पूछा था मैंने, क्या नाम है बच्चा आपका? भारती। भारती अब क्या करना है इसमें? रात में सोने से पहले इस डायरी को उठाना है और एक बार मुझे सारे दिन को रिविजलाइज करना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाई की, लेकिन टाइम में डिवाइड करके। 6 बजे से पहले मैंने किसी किताब को हाथ लगाया था, रिविजलाइज करना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाई की, लेकिन टाइम में डिवाइड करके। 6 बजे से पहले मैंने किसी किताब को हाथ लगाया था? नहीं लगाया था। क्रॉस। 7 से 8 नहीं, क्रॉस। स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, समय नहीं बना। 8 से 9 क्रॉस। 9 से 10 पहला क्लास की सब्जेक्ट की थी, सब्जेक्ट का नाम जो टीचर ने पढ़ाया, टॉपिक। ऐसे करके हर दिन 21 दिन तक रात में सोने से पहले इस डायरी को मेंटेन करना। इज इट ओके? कर सकते हैं? yes, कर सकते हैं? yes, 21 दिन के बाद क्या होगा? इवान पावलोव ने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर 21 दिन तक खाने के बाद मिठाई खिलाई जाए, पहले दिन खाने, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं आप करते हैं। क्या नाम है बच्चा आपका? नवनीत। मैंने पहले दिन आपको खाने के बाद मिठाई खिलाई, दूसरे दिन खाने के बाद मिठाई, तीसरे दिन खाने के बाद मिठाई, 21 दिन तक ऐसा किया। 22वें दिन जब मैं आपको खाना दूंगा तो आपके मन में कुछ विचार आएगा, किस चीज का? मुंह में पानी क्यों है? मिठाई का विचार आएगा। और ये बात 1905 में इवान पावलोव ने बताई थी कि नवनीत से अगर ऐसा पूछोगे तो नवनीत ऐसा जवाब देगा जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला। इसे तो चिप लग जाएगी इसके मन में, जब भी ये खाना देखेगा तो इसे मिठाई का ख्याल आएगा। यह प्रोग्रामिंग हो गई है। पहले दिन आपने नवनीत पढ़ाई की डायरी में लिखा, दूसरे दिन पढ़ाई की डायरी में लिखा, तीसरे दिन पढ़ाई की डायरी में लिखा, चौथे दिन पढ़ाई डायरी में लिखा, 21 दिन तक ऐसा किया। 22वें दिन जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे होंगे, तो आपके हिप्पोकैम्पस को पहले से लगने लगेगा कि नवनीत आज रात में क्या करेगा? डायरी में लिखेगा। जरूरत होती है, हिप्पोकैम्पस को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। अगर आपको आज के लेक्चर के पहले एक अनाउंसमेंट हो जाता कि आचार्य पवन जो भी बता रहे हैं उसके बाद एक टेस्ट होगा, सीबीएसई के द्वारा इन्हें भेजा गया है और इस टेस्ट के नंबर फाइनल रिजल्ट में जुड़ेंगे, वजूद चाहिए हिप्पोकैम्पस को, कुछ वो वजूद देने की हम कोशिश कर रहे हैं। 21 दिन के बाद हिप्पोकैम्पस को लगेगा कि ये जो पढ़ रहा है इशू, नवनीत जो पढ़ रहा है, इसके लिए इसका वजूद जरूरी है, शाम को लिखना भी है। समझ में आ रहा है? अगर पहले दिन खाने के बाद मिठाई खिलाई, दूसरे दिन खाने के बाद मिठाई, तीसरे दिन खाने के बाद मिठाई, फिर चौथे और पांचवें दिन मैं भूल गया, 6वें और 7वें दिन खिलाई, फिर एक दिन और भूल गया, फिर खिलाता रहा 4-5 दिन, फिर 2 दिन और याद नहीं रहा, 21 दिन के बाद खाने खाते समय मिठाई का ख्याल आएगा? नहीं आएगा। ना तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी की मिठाई खिलाता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितनी भी क्वांटिटी में खिलाता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, असल में मैटर करेगी क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? 21 दिन तक प्रैक्टिस करके आपको परिवर्तन नजर आएगा। इज इट ओके? एक बार रिपीट करेंगे, नवनीत बैठ जाओ, एक बार रिपीट करेंगे, एस एम ए आर टी। आप बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपको सुनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और उस अज्ञात शक्ति ने मुझे ये विचार आप तक पहुंचाने का काम दिया था जो मैंने पूरा किया, उसका भी शुक्रिया जो मुझे उसने इस लायक समझा। अभी आपका एक रिटेंशन टेस्ट होगा कि मैंने जितनी बातें बताई आप कितने रेशो में उसे रखे हो, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ। अब मैं पता कर रहा हूँ कि आपके भूलने की स्पीड क्या हो रही है मेरे शब्दों को।
एक भी सिलेबस से आउट नहीं होगा क्वेश्चन, जितना मैंने पूछा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. इज इट ओके? And on behalf of my school, I extend a really hearty word of thanks to our chief guest, Sri Acharya Pavanji, who spared the time for his busy schedule to bless students with his motivational words. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage students in their future. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. You have trained students how to practice meditation. Has become an inspirable part of our life. I pay my gratitude to all of you for gracing the occasion and sharing your opinions today. In the end, I once again thank you, sir, for being here and motivate us. Thank you, sir. Thank you very much.